हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ राय। आप देख रहे हैं हिंदी टेक वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लॉकडाउन की स्थिति में हर किसी को घर से बाहर जाना मना है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन स्मार्टफोन खराब हो जाता है तो आप उसे कैसे रिपेयर कराएं, ये बड़ी समस्या आपके लिए हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसमें 3 से 4 तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन को अपने फ़ोन को घर बैठे ही रिपेयर करा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं मनोज देव भाई के इंस्पिरेशन से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन को रिपेयर करने की। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर आपका स्मार्टफोन खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप एप्पल का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको एप्पल स्टोर से अपना एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, एप्पल सपोर्ट ऐप, जिसमें आपको अपने एप्पल आईडी से पहले तो लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय से कॉन्टैक्ट कर सकेंगे, कंसल्ट कर सकेंगे। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर का इशू होगा तब तो वो वहीं से आपको कंसल्ट कर देंगे और आप उसको आसानी से रिसॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपका स्मार्टफोन ब्रेक हो गया है, हार्डवेयर ब्रेक हो गया है, तो आपको एप्पल के स्टोर पर ही जाना पड़ेगा। तो उसमें ये भी सुविधा दिया हुआ है कि आपके नज़दीक में कौन सा एप्पल स्टोर इस समय रिपेयरिंग में है, आप उसको फाइंड आउट करके वहाँ पे जाके अपना स्मार्टफोन रिपेयर करा सकते हैं। अदरवाइज आप जाने में असमर्थ हैं तो उसमें आपको एक तीसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेके एम्प्लॉय को घर बुला के उसको स्मार्टफोन हैंड ओवर कर देंगे, तो वो रिपेयर करके 5 दिन में आपको वापस कर देंगे। तो ये तो बात होगी एप्पल आईफोन की। अब बात कर लेते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की। एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में तो बहुत सारी कंपनियों का लोग ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो किसी ब्रांड ने कोई ऐसा सुविधा अभी तक तो निकाला नहीं है। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड फ़ोन है आपको, उसमें अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू आ रही है इस लॉकडाउन की स्थिति में, तो आप उसे रिसॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखा रहा हूँ। इन ब्रांड्स का अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप अपने फ़ोन को आराम से रिसॉल्व करा सकते हैं, अगर उसका कोई सॉफ्टवेयर का इशू है तो लेके ये नंबर देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहला जो नंबर है वो है रियलमी का। रियलमी का नंबर जो है 1800102277 है। इस पर कॉल करके, ये टोल फ्री नंबर है, आप अपने प्रॉब्लम को रिसॉल्व करा सकते हैं। दूसरा जो नंबर है वो है रेडमी का। रेडमी ब्रांड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली कॉल करना होगा 1800103-6286 पे, और आप इस पे कॉल करके अपने सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू को रिसॉल्व करा सकते हैं। अगर आप ओप्पो का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली डायल करना है 1800103-2777 और इस पे कॉल करके आप अपना सॉफ्टवेयर का जो इशू है उसको रिसॉल्व करा सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं सैमसंग का फ़ोन तो आपको डायल करना होगा 1800407-26784 और आप इस पे कॉल करके अपना सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू रिसॉल्व करा सकते हैं। अगर आप इन चारों फोन्स में से कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, नोकिया का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए नंबर है 1800102-8169। इस पे कॉल करके भी आप अपना प्रॉब्लम रिसॉल्व करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है तो आपको सिंपली डायल करना है 1800102-3388। इस पे कॉल करके भी आप अपने वीवो का फ़ोन का जो स्मार्टफोन का जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब नंबर्स मैंने इंटरनेट से लिए हैं। अगर आपको इन ब्रांड्स में से कोई ब्रांड नहीं, दूसरा ब्रांड है, तो आप गूगल में जाके सिंपली अपने ब्रांड का जो कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारे टोल फ्री नंबर्स हैं, इस पे कॉल करके आप अपने सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इशू होगा एंड्रॉयड फ़ोन का उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।